हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर परूला और मेरा नंबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हमने पढ़ा था रिस्क असेसमेंट, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर रिस्क असेसमेंट पढ़ा, रिस्क को एसेस किस तरीके से करेंगे, क्योंकि बिजनेस कंटिजेंसी प्लानिंग कब की जाएगी, जब किन सिस्टम्स के लिए की जाएगी और कब की जाएगी, जब रिस्क एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाएगा। जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा उनकी उनको बिजनेस कंटिजेंसी प्लानिंग का ऑब्जेक्ट माना जाएगा, ज्यादा उनको उनकी रिकवरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सिस्टम्स की, उन प्रोसेसेस की, उन प्रोसीजर्स की, उन ह्यूमन रिसोर्स की रिकवरी होना बहुत, अर्लीस्ट रिकवरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बिजनेस की कंटिन्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा सिस्टम डेटा की रिकवरी, हम डेटा की कैसे रिकवरी करेंगे, फिर फाइनली पढ़ा हमने सिस्टम की रिकवरी कैसे करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कंटिजेंसी प्लान डेवलपमेंट, यानी कि हम आप कंटिजेंसी प्लान को डेवलप करेंगे। तो कंटिजेंसी प्लान को डेवलप करने के लिए हमारी स्टडी जो है वो उसने कंपोनेंट्स बताती है, फिर वो बताती है वेरियस काइंड्स ऑफ प्लान कौन से हैं, अलग अलग टाइप के प्लान्स होते हैं उनके बारे में बताती है, उसके बाद बताती है कि कौन से किस तरह के रिस्क होते हैं और किस कैसे उनसे इंश्योर किया जा सकता है। उसके बाद वो BCP जो हमारी बन गई उसको टेस्ट, वैलिडेट और मेंटेन करती है। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला चीज़ कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, यानी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और वो कंपोनेंट्स पढ़ेंगे जो कि कॉमन है सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। बेसिकली बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग क्या है? बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग सेट ऑफ रूल्स है, प्रोसीजर्स है, जब डिजास्टर स्ट्रक करेगा तो वो कैसे, कौन से रूल्स हम फॉलो करेंगे, वही रूल्स का कलेक्शन जो है अभी, वही प्रोसीजर्स का कलेक्शन जो है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग कहलाता है, BCP कहलाता है। तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग में रिकवरी स्ट्रेटेजी होगी, हर सिचुएशन की रिकवरी स्ट्रेटेजी होगी कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, फ्लड आ गया तो क्या होगा, फायर आ गई तो क्या होगा, साइक्लोन आ गया तो क्या होगा। तो हर तरीके से हर सिचुएशन में रिकवरी होगी। अगर मान लिया वो सर्वर फेल हो गया तो क्या हो गया, टेलीकम्युनिकेशन लाइंस फेल हो गई तो क्या होगा, तो सारा रिकवरी की स्ट्रेटजीज उसमें है। तो अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स। तो प्लान को हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, कोई भी प्लान होता है उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, और या हम ये कह सकते हैं कंपोनेंट्स को अगर हम जोड़ेंगे तो वो प्लान बन जाता है। तो कंपोनेंट्स का सम टोटल प्लान है और प्लान्स को अगर हम तोड़ेंगे तो वो कंपोनेंट बन जाए, में तब्दील हो जाएगा। तो पहला कंपोनेंट है नोटिफिकेशन, यानी कि हम बंदों को नोटिफाई करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को नोटिफाई करेंगे। जब डिजास्टर रिकवरी सिचुएशन आ गई तो उसको रिकवरी कौन करेगा, ह्यूमन बीइंग करेगा। तो ह्यूमन बीइंग को नोटिफाई करना है। एबनॉर्मल सिचुएशन में ह्यूमन बीइंग की जरूरत है, अगर ऑटोमेटेड सिस्टम है, ऑटोमेटेड रिकवरी हो जाती है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो तो डिजास्टर ही नहीं है, वो तो नॉर्मल चीज़ हो जाएगा। अगर मान लिया सपोज कोई प्रॉब्लम आई और सिस्टम आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 3 लाइन है टेलीकम्युनिकेशन की, अगर एक लाइन में प्रॉब्लम आ गई ऑटोमेटिकली सिस्टम ने दूसरी लाइन में शिफ्ट कर दिया, दूसरे में भी प्रॉब्लम आ गई सिस्टम ने तीसरी लाइन में शिफ्ट कर दिया और जो रिलेवेंट IT का बंदा है उसे बता दिया कि भाई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ कोई डिजास्टर नहीं हुआ। डिजास्टर वही वो सिचुएशन है जहाँ पर ह्यूमन बीइंग की एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस की एब्सोल्यूट नेसेसिटी हो जाती है। तो नोटिफाई करेंगे, नोटिफाई कैसे करेंगे, ह्यूमन बीइंग को नोटिफाई करेंगे, यानी कि ह्यूमन बीइंग कौन, एम्प्लॉई को नोटिफाई करेंगे, एम्प्लॉई या थर्ड पार्टी आउटसोर्स जो बंदे हैं उनको नोटिफाई करेंगे। तो नोटिफिकेशन 2 तरीके से हो सकता है, नोटिफिकेशन ये हो सकता है कि नॉन बिजनेस टाइम में हो सकता है, बिजनेस टाइम में हो सकता है, यानी कि बिजनेस टाइम में आप बैठे हो और नोटिफाई करना ईजी है। नॉन बिजनेस टाइम में मालूम पड़ा आपने छुट्टी ली हुई है या रात के 8 बजे आपको पता चला, जब आप ऑफिस से निकल कर जा रहे हो, घर जा रहे हो, और जनरली आप मोबाइल ऑफ रखते हो ऑफिस का, आजकल वेस्टर्न कंट्रीज़ में पर्टिकुलरली ये हो गया है कि ऑफिस का काम ऑफिस तक, घर का काम घर तक, तो ऑफिस के बाहर जाने के बाद वो मोबाइल ऑफ कर लेते हैं। तो आपको ये सारी कंटिजेंसी सोचनी पड़ेगी कि भाई वो कौन इंपॉर्टेंट बंदे हैं और उनको हम किस तरीके से कॉन्टैक्ट करेंगे, उनके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर कौन से, उनके मोबाइल में कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, उनके फ़ोन नंबर में अगर मोबाइल अवेलेबल नहीं होगा तो कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, अगर वो छुट्टी में होंगे तो कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो बिजनेस आवर्स और नॉन बिजनेस आवर्स में कॉन्टैक्ट के क्या प्रोसीजर्स हैं वो BCP में होंगे, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग में होंगे। दूसरी चीज़, डिजास्टर जो होता है कई बार क्या होता है, डिजास्टर प्रायर नोटिस के साथ आता है और डिजास्टर कई बार प्रायर नोटिस के साथ नहीं आता है। जैसे साइक्लोन है, साइक्लोन हिट करना है, कर रहा है, गुदगुद युद्ध युद्ध क्या पता नहीं क्या तूफान था या साइक्लोन था, अभी कुछ आया हुदहुद, सॉरी हुदहुद साइक्लोन वगैरह आया आंध्र प्रदेश में,
और साइक्लोन आता है तो साइक्लोन के बारे में प्री वार्निंग होती है। हमारा साइंस साइक्लोन के मामले में काफ़ी बढ़ गया है, मतलब जो मौसम का विज्ञान हमारा काफ़ी बढ़ गया है, और पर्टिकुलरली नॉर्मल मौसम हमारा प्रिडिक्ट करना उन्होंने चालू कर दिया है कि बारिश होगी, सूख ये होगा, एक पैटर्न के अनुसार वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, पर्टिकुलर लेवल तक वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, कितनी गर्मी होगी वो एक लेवल तक प्रिडिक्ट करते हैं कर लेते हैं, तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है। अगर मान लें सपोज विद इन वन डे प्रडिक्शन करना पड़े तो उसकी कई बार 70-80% से ज़्यादा प्रडिक्शन उनके राइट होते हैं, सही होते हैं। तो लेकिन तूफान के मामले में उनके प्रडिक्शंस 90-95% तक राइट होते हैं, 95% तक वो बता सकते हैं, और तूफान जब चल रहा होता है तो वो बता देते हैं कि तूफान आ रहा है, आने की संभावना है, तट पर पहुंचेगा, कोस्ट पर, कोस्ट लाइन पर पहुंचेगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कितने पावर से पहुंचने की अनुमान है, अगर तूफान कहीं और मूव किसी डायरेक्शन में मूव कर गया तो वो बता देते हैं। तो क्योंकि आज की डेट में सुपर कंप्यूटर्स हैं, पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, पावरफुल सैटेलाइट इमेजरी है, वो उसको दे टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। इवन अर्थक्वेक का अब धीरे धीरे प्रिडिक्शन होने लगा है, जापान जैसी कंट्री में तो अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन करने में वो सक्सेसफुल होते चले जा रहे हैं। तो यानी साइंस कई डिजास्टर्स को प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर रहा है। फ्लड्स वगैरह हैं वो उसके बारे में पता चल जाता है, फ्लड्स अगर मान लें सपोज फ्लडिंग स्टार्ट होगी, नदी में पानी का लेवल बढ़ गया तो वो पता चलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर प्रायर नोटिस है तो किस तरह से नोटिफाई किया जाएगा, और अगर बाद में है, अगर डिजास्टर अचानक स्ट्रक आउट हो गया तो कैसे किया जाएगा। प्रायर सिचुएशन है तो थोड़ा नोटिफिकेशन ईजी होता है और उसके लिए अलग प्रोसीजर्स होंगे, और अगर मान लिया सपोज डिजास्टर स्ट्रक हो गया और उसके बाद आपको नोटिफाई करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर प्रोसीजर्स होने चाहिए, क्योंकि डिजास्टर स्ट्रक हुआ तो हो सकता है बंदे आपके अवेलेबल ही नहीं है। कई डिजास्टर तो कई बार आग लग गई तो आपको आग लगना स्टार्ट हुई तो फिर आप बाहर के बंदों को नहीं बुला सकते हो। अगर मान लीजिए कोई छुट्टी में बंदा हुआ है, ऑफिस में आग लग गई, तो फिर तो उसमें उसके लिए आपको उस कंटिजेंसी के लिए अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ जो ऑफिस में बंदे हैं उनको कैसे नोटिफाई किया जाए, उनको इंस्टेंटली नोटिफाई किया जाए। अगर कम बंदे हैं तो जैसे फायर एग्जिट प्लान है उसमें हमने बोला कि रोटेशन करना पड़ता है, हर फ्लोर में दो बंदे होंगे तो दोनों के दोनों बंदे छुट्टी में हैं, ये सारी कंटिजेंसी हमें सोचकर चलनी पड़ेगी। तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है नोटिफिकेशन डायरेक्टरी बनाओगे। नोटिफिकेशन डायरेक्टरी में क्या होगा, नोटिफिकेशन डायरेक्टरी में लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर होगा, किस तरीके से डायरेक्टरी होगी, पूरे लोगों की डायरेक्टरी होगी, कैसे नोटिफाई किया जाएगा अगर कोई डिज़ास्टर हुआ, और फिर ये नोटिफिकेशन डायरेक्टरी बीसीपी का प्लान पार्ट होती है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का पार्ट होती है, कंपोनेंट होती है। तो नोटिफिकेशन डायरेक्टरी में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले की, बंदों की, आउटसोर्स बंदों की, ऑर्गेनाइजेशंस की, जो हमें बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग में हेल्प करेंगे। मान लिया सपोज सर्वर जल गया, आग लगी और सर्वर डिस्ट्रॉय हो गया, तो आपके पास स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए सर्वर के, और साथ में वो ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो आपको वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंस्टेंटली प्रोवाइड करेंगे। अगर बैकअप सिस्टम चलने लग गया आपका तो आपको ओरिजिनल जो प्राइमरी सिस्टम है उसको रिटेन करना है, जल्द से जल्दी रिटेन करना है, क्योंकि कहीं बैकअप सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई। कई बार मर्फी की लॉ है, अगर कोई चीज़ गलत होती है तो फिर वो गलत होती चली जाती है। तो जो हमें डिज़ास्टर हो रहा है उसको इंस्टेंटली आपको क्रिटिकल कंपोनेंट्स को रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्रिटिकल कंपोनेंट्स को रिकवर आपने करने में डिले की तो मालूम पड़ा बैकअप कंपोनेंट, बैकअप सिस्टम्स भी आपके में प्रॉब्लम आ गई। तो सबसे पहले आप क्रिटिकल कॉन्टैक्ट पर्संस के नाम होंगे, रिकवरी टीम लीडर्स होंगे, मतलब ऐसा होगा कि आप क्रिटिकल कॉन्टैक्ट पर्सन जो रिकवरी टीम लीडर्स बनाए जाते हैं हर कंपनी में, हर कंपनी में रिकवरी टीम लीडर्स होंगे, वो उनके टीम मेंबर्स होंगे। तो रिकवरी टीम लीडर्स की कॉन्टैक्ट होना चाहिए। तो जो भी स्पॉक होगा आपका, एडमिन का स्पॉक होगा, जो मेन स्पॉक होगा अगर डिज़ास्टर हुआ तो वो टीम लीडर्स को इन्फॉर्म करेगा, और फिर वो धीरे धीरे नीचे बंदों को इन्फॉर्म करेंगे। तो उसमें आपके इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर वेंडर्स के नाम होने चाहिए, उन कंपनियों के नाम होने चाहिए जो क्रिटिकल सप्लाईज इक्विपमेंट और सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगी, डेजिग्नेटेड कंपनी के नाम होने चाहिए, उन आउटसोर्स कंपनी के नाम होने चाहिए जो आपको इसमें हेल्प करेंगे,
वो रिकवरी फैसिलिटीज़ के नाम होनी चाहिए। हॉट साइट रिप्रेजेंटेटिव हैं तो हॉट साइट रिप्रेजेंटेटिव, हमने पढ़ा था हॉट साइट्स होती हैं, कोल्ड साइट्स होती हैं, वार्म साइट्स होती हैं, सबके रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में उसमें होना चाहिए। और अगर मान लिया सपोज कोई रीराउटिंग सर्विसेज हैं, नेटवर्क कम्युनिकेशन रीराउटिंग सर्विसेज हैं, तो उनका भी कॉन्टैक्ट हमारे पास होना चाहिए ताकि हम उस उन चीज़ों को इनिशिएट कर सकें। उसके अलावा आपकी ऑफसाइट मीडिया स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में डिटेल्स होनी चाहिए, वहाँ जो आदमी हैं वहाँ उनका क्या नंबर है, कौन ऑथराइज्ड है मीडिया को रिट्राइव करने के लिए, ऑफसाइट फैसिलिटी में कौन ऑथराइज्ड पर्सन है उनके बारे में पता हो, सारी चीज़ें होनी चाहिए, डिटेल्स होनी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी के बारे में डिटेल होनी चाहिए ताकि इंश्योरेंस कंपनी किस किस कंपनी से हमने किस किस टाइप का इंश्योरेंस लिया हुआ है, मल्टीपल इंश्योरेंस है, सिंगल इंश्योरेंस है, उनके बारे में होना चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए कि कॉन्टैक्ट पर्सनल सर्विसेज, जो पर्सनल सर्विसेज उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए जो कंपनी पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनका नंबर होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो नोटिफिकेशन डायरेक्टरी में होगी। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये एक नोटिफिकेशन ट्री होता है। नोटिफिकेशन ट्री का मतलब एक पेड़ की तरह होता है, ब्रांचेज होती हैं उस पेड़ में। तो सॉरी, जब डिज़ास्टर होगा तो कई बार क्या होता है कि जब डिज़ास्टर होता है तो इन्फॉर्मेशन जाती है नीचे से ऊपर या ग्रेपवाइन कंपनी की ग्रेपवाइन से कि डिज़ास्टर हो गया। लेकिन डिज़ास्टर किट के में ये हो सकता है कि डिज़ास्टर सिचुएशन को एक्टिवेट कौन करेगा, मतलब ये दो या तीन बंदे ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं जो एक्टिवेट करने की जिनको पावर है हो सकती है। मतलब एक पर्टिकुलर बंदा होगा, अगर वो नहीं उसको नहीं पता चला तो दूसरा करेगा, दूसरे को नहीं पता चला तो तीसरे को करेगा। और एक बार डिज़ास्टर नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया तो एक कैस्केड सीक्वेंस स्टार्ट हो जाना चाहिए। कैस्केड सीक्वेंस का मतलब ये है कि अगर मैं मेन स्पॉक हूँ डिज़ास्टर के लिए तो मेरे को डिक्लेयर करना चाहिए कि हाँ डिज़ास्टर स्टार्ट हो गया और आप स्टार्ट कर दो, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग प्लान अप एंड रनिंग है। तो मैं मीडिया वाले को कहूँगा कि तू मीडिया को संभाल, उसके बाद अपने नीचे बंदों को फ़ोन करूँगा कि भाई डिज़ास्टर हो गया, ये टाइप का डिज़ास्टर हो चुका है और नोटिफिकेशन स्टार्ट किया जाए। वो अपने नीचे वाले बंदे को करेंगे, वो अपने नीचे वाले को करेंगे, वो नीचे वाले को करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन तो किसी भी लेवल से आ सकती है, लेकिन मतलब ऐसा है कि नीचे कोई बंदा खड़ा है वो इन्फॉर्मेशन दे दे अपर मोस्ट लेवल को कि भाई डिज़ास्टर स्ट्रक हो गया है, या कोई एम्प्लॉई और दूसरा एम्प्लॉई दे दे। जनरली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी फास्ट न्यूज़ फैलती है अगर कहीं कोई डिज़ास्टर हो रहा है, कुछ हो रहा है, और बड़ी फास्टली पता चल जाता है। तो उसके जो प्रोसेसेस हैं जो इनिशिएट करने हैं, वो जो मेन स्पॉक है या उसका जो बैकअप है या उसका बैकअप जो है जो भी सिचुएशन में अवेलेबल है वो उस सीक्वेंस को स्टार्ट करेंगे। तो एक नोटिफिकेशन ट्री बनना चाहिए ताकि सबको पता रहे कि किस तरीके से दूसरों बंदों को नोटिफाई किया जाएगा। असल में क्या होता है कि जब डिज़ास्टर स्ट्रक करता है तो इनफॉर्मल चीज़ें काफ़ी होती हैं, मतलब इनफॉर्मल सिचुएशन काफ़ी होती हैं, लेकिन आप उसे फॉर्मलाइज करके क्या करते हो कि ये करते हो कि जो कंपनी पैरालाइज्ड ना हो, हर एक को रेस्पॉन्सिबिलिटी पता हो। कई बार क्या होता है कि डिज़ास्टर स्ट्रक होता है तो आग लगनी स्टार्ट हुई तो वॉलंटियर्स आ जाते हैं, लेकिन अगर वॉलंटियर्स ही रहे और बाकी और नहीं रहे तो इसका मतलब आपके पास प्लानिंग नहीं है। अगर वॉलंटियर्स आ गए और वो आग बुझाने लगे, उन्हें बताया, इस बीच में ऑर्गेनाइजेशन को पता चला और ऑर्गेनाइजेशन ने डिज़ास्टर के प्लान को एक्टिवेट किया, प्लान एक्टिवेट होगा तो एक लेवल पर जाकर एक कुछ मतलब डिज़ास्टर स्ट्रक हुआ, आग जलना चालू हुई, दो या तीन या पाँच मिनट में मैनेजमेंट को पता चल गया, मैनेजमेंट ने इन्फॉर्मेशन एक्टिवेट की कर दी, एक्टिवेशन के बाद प्रोफेशनली काम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि अनप्रोफेशनल और प्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल काम को प्रोफेशनली काम में कन्वर्ट करने के लिए एक आपके पास प्लान तो होना चाहिए, हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पता होनी चाहिए ताकि जैसे ही डिज़ास्टर स्ट्रक हो गया पता चल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने हमला किया, आर्मी खड़ी है, आर्मी को कई बार क्या होता है पता नहीं चलता है, मतलब हमला स्टार्ट हो गया, आर्मी उस एरिया में नहीं, उस सेक्टर में नहीं है, लेकिन जैसे ही आर्मी को पता चलता है तो वो
सारी आर्मी हरकत में आती है और वो प्रोफेशनली उसे ओवरटेक कर लेती है। उससे पहले हो सकता है कोई कंट्री आपके बॉर्डर्स में हमला कर रही है तो अंदर घुस गई, आपके गांव वाले उठ खड़े हुए, उन्होंने बंदूकें निकाल दी और दूसरे देश की आर्मी को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आर्मी के कमांड एंड कंट्रोल को पता चलेगा तो आर्मी का कमांड कंट्रोल तैयार हो जाएगा, वो सारी सिचुएशन एनालाइज करने लगा और प्रोफेशनली आगे बढ़ने लगेगा। तो जब भी डिजास्टर होती है तो वहाँ पर इन नॉन प्रोफेशनल टाइम्स आते हैं, वहाँ पर ऐसे टाइम्स आते हैं जहाँ पर जो कमांड कंट्रोल के बाहर के लोग जो है हेल्प करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कमांड और कंट्रोल के लिए, डिजास्टर सिचुएशन के कमांड और कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए नोटिफिकेशन ट्री बनाया जाता है, और इसके लिए क्या है नोटिफिकेशन डायरेक्टरी होती है और इसके लिए नोटिफिकेशन प्रोसीजर्स होते हैं। उसके अलावा अगला कंपोनेंट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ये है कि कई बार क्या होता है कि ऑफ साइट में आपको आपका एक बैकअप स्टोरेज है, वो बैकअप स्टोरेज में डिजास्टर आ गया, वो बैकअप स्टोरेज जल गया या सुनामी आ गई या कुछ आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर इक्विपमेंट ले जाना पड़ेगा, बंदे को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, लॉजिंग फैसिलिटी करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो ये किस तरह से होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होगा यानी ट्रांसपोर्ट सारी चीज़ लेगा, तो उसके लिए प्रोविजन्स होनी चाहिए डिजास्टर रिकवरी प्लान में कि एम्प्लॉय को कैसे रिलोकेट किया जाएगा यूज़र रिकवरी साइट्स में। उसके बाद क्या है कि अगर मान लिया सपोज व्हीकल हायर करनी है तो वो कैसे हायर की जाएंगी, अगर मान लिया सपोज बोर्डिंग और लॉजिंग प्रोवाइड करनी है तो वो कैसे रिकवरी साइट्स में प्रोवाइड की जाएगी, टेलीकम्युनिकेट करना है या कम्यूट करना है रेजिडेंस से डिज़ास्टर साइट्स में तो किस तरीके से किया जाएगा, तो ये सारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के बारे में आपको टेक केयर करना पड़ेगा और उस वो डिज़ास्टर रिकवरी प्लान में होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें क्या कहते हैं, आप ये सोचोगे ये तो बड़ी कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिज़ास्टर स्ट्रक करता है तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं है, ये छोटे छोटे रोल्स नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती और क्या होता है कंपनी पैरालाइज्ड हो जाती है, मतलब मल्टीपल लोग किसी चीज़ के लिए फायर फाइट कर रहे होते हैं। तो अगर आपको डिज़ास्टर रिकवरी प्लान है और उसमें आपका मीडिया सेल है, डिज़ास्टर रिकवरी प्लान है और उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोविजन है, उसके बाद आपके नोटिफिकेशन के प्रोविजन है, नोटिफिकेशन डायरेक्टरी के लिए प्रोविजन है, तो जहाँ पर डिज़ास्टर स्ट्रक हुआ वहाँ से फटाफट इन्फॉर्मेशन गई और उसके बाद चीज़ें एक्टिवेट हो गई, तो हर बंदों को पता होता है कि भाई ऐसा है कि प्रोफेशनल्स ने ओवरटेक कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन एडमिन डिपार्टमेंट करेगा, नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बंदों को नोटिफिकेशन हो चुकी, नोटिफिकेशन ट्री एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है, पता चल गया एक्टिवेट हो गया, ठीक है, नोटिफिकेशन डायरेक्टरी है कि नहीं है, सारी चीज़ें टेक केयर कर ली जाएंगी। इसके बाद कई कंपनीज होती हैं जो आउटसोर्सिंग कंपनी होती हैं, कॉल सेंटर होती हैं, वहाँ पर वॉइस टेलीकम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वॉइस टेलीकम्युनिकेशन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, उसका रीडायरेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पर वॉइस टेलीकम्युनिकेशन का लॉस हो गया किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो उससे क्या है बिजनेस फंक्शन का लॉस हो जाएगा। इसलिए क्या है कि आपकी कंटिन्यूटी स्ट्रेटेजी जो होगी वो यहाँ पर इस सिचुएशन में जो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग की जो कंटिन्यूटी स्ट्रेटेजी होगी वो क्या होगी कि उस वॉइस टेली कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी को रिकवर किया जाए, उस वॉइस टेलीफोनी को रिकवर किया जाए। दूसरी बात यह है कि वॉइस टेलीफोनी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, वो कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करती है, मतलब रिकवरी टीम्स को कोऑर्डिनेशन हेल्प करने में वॉइस टेली कम्युनिकेशन हेल्प करता है, मतलब सिस्टम और फैसिलिटी का रेस्टोरेशन, टेलीकम्युनिकेशन रेस्टोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे आज की डेट में मोबाइल फ़ोन्स हैं, हर एक बंदा दूसरे के साथ कंपनी के अंदर कांटेक्ट में रहता है, कॉमन यूज़र ग्रुप्स होते हैं CUG, एक के मोबाइल दूसरे मोबाइल नंबर्स होते हैं, लेकिन ऐसा है अगर उसे फॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के टाइम पर, बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग प्लान में अगर किसी भी डिज़ास्टर के टाइम पर उसको फॉर्मलाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डिज़ास्टर में इंस्टेंट रिस्पॉन्स होना चाहिए, जितनी जल्दी जितना प्रोफेशनल रिस्पॉन्स होगा उतना डिज़ास्टर के इफ़ेक्ट्स उतने कम होंगे।
इसके अलावा जैसे ट्रांसपोर्टेशन आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए, उसके अलावा अदर सप्लाई लॉजिस्टिक्स भी अवेलेबल होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ये डिटरमाइन करेगा, अगर मान लीजिए सपोज कोई एक पर्टिकुलर एरिया में डिजास्टर स्ट्रक हुआ, कंपनी की किसी फैसिलिटी पर डिजास्टर स्ट्रक हुआ, तो किस तरीके से यूज़र्स को सप्लाई दी जाएगी ताकि वो प्रोडक्टिव वर्क कर सकें, ताकि डिज़ास्टर को ख़त्म कर सकें और काम हिंडर ना हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है कि आप हो सकता है कि आपको जो गुड्स हैं वो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर स्टोर करना पड़ा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपके पास ऑफ साइट बैकअप प्लान्स होने चाहिए, आपके पास अरेंजमेंट्स होनी चाहिए ताकि रिकवरी साइट से आप इन सब चीज़ों को रिट्राइव कर सकें। उस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बीसीपी की कॉपी होनी चाहिए, वो ऑफ साइट में स्टोर्ड होनी चाहिए। मालूम पड़ा बीसीपी की कॉपी है, बीसीपी की कॉपी किसी को अवेलेबल नहीं हो पा रही है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग की कॉपी अवेलेबल नहीं है, तो की एग्जीक्यूटिव के पास बीसीपी की कॉपी होनी चाहिए, उनके घर पर प्रेफरेबली हो तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर उनके घर पर है या उनके मोबाइल पर है या उनके नेट पर है या तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उससे क्या है कि लोगों में अनसर्टेनिटी नहीं होगी। वैसे ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग्स बीसीबी की ट्रेनिंग्स अगर के अलावा बीसीबी की कॉपीज़ हैं तो ज़्यादा बेटर है, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, वहाँ पर लोगों को पता हो कि एग्जैक्टली उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सोर्सेज और अल्टरनेटिव्स पता होनी चाहिए सप्लाईज़ के, कि कहाँ से सप्लाईज़ के क्या सोर्सेज हैं, अगर वहाँ से सप्लाई नहीं मिली तो क्या अल्टरनेटिव्स होंगे, किस तरीके से प्रोसीजर्स होंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि जब डिज़ास्टर होता है तो उस समय आपको परचेज ऑर्डर वाउचर्स ये वो के बारे में आप उतना बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हो, वो एक इंस्टेंट सिचुएशन होती है और उस टाइम पर क्या होता है एक्सेप्शनल अप्रूवल्स से काम होना स्टार्ट हो जाता है। बाद में आप उसका अकाउंटिंग और बाद में आप उसके अप्रूवल्स लेते हो, कई बार ऑन द फ़ोन अप्रूवल्स हो जाते हैं, कई चीज़ों के ऑन द फ़ोन बातें हो जाती हैं, इनफॉर्मल तरीके से काफ़ी चीज़ें चलती हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस होती हैं। तो वो बीसीबी प्लान में होना चाहिए कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए कौन ऑथराइज्ड है, कौन सीनियर मैनेजमेंट में कौन बंदा ऑथराइज्ड है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कौन ऑथराइज्ड है, मतलब चेन ऑफ कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि एक टिपिकल बीसीपी को अगर हम देखें तो हम ये 9/11 सिचुएशन समझ सकते हैं, या हिंदुस्तान में संसद में हमला हुआ तो पार्टली जब डिज़ास्टर स्ट्रक हुआ तो वहाँ पर यूएस में एक चीज़ सोची गई कि चेन ऑफ कमांड को कौन कंट्रोल करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स होती हैं यूएस में। तो अगर प्रेसिडेंट मर गया, वाइस प्रेसिडेंट मर गया, एक ही जगह पर है, वहाँ का स्पीकर मर गया या टॉप के 5 आदमी मर गए तो गवर्नमेंट पैरालाइज हो जाएगी कुछ समय के लिए, उसको पता नहीं चलेगा कि किसके डायरेक्शन हमें फॉलो करने हैं, कौन उसका लीडर है। अगर 3 आदमी ने लीड करने लग गए वहाँ पर और तीनों ही इफेक्टिव लीडर हैं और तीनों एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो एक चेन ऑफ कमांड उस टाइम पर बोला गया कि चेन ऑफ कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। और चेन ऑफ कमांड क्यों इंपॉर्टेंट होती है, लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया सपोज अपर पॉलिटिकल लीडरशिप किसी अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री में वाइप ऑफ हो जाए तो लॉन्ग टर्म में क्या है कि डेमोक्रेसी अपने कोर्स में चलती है और फिर इलेक्शंस होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं और सारी चीज़ें जो हैं नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन डिज़ास्टर के सिचुएशन में जहाँ पर आप सिंगल माइंडेड वे में आपको चलना है, सिंगल माइंडेड तरीके से आपको आगे बढ़ना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस टाइम पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, उस टाइम पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होनी चाहिए और वो उस टाइम पर की डिसीजंस की ज़रूरत होती है। उस टाइम पर अगर आप थोड़े से भी डिसीजन में लैक्स हुए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाला जो बंदा है वो उतना इनिशिएटिव नहीं लेगा। नीचे वाला जो बंदा है वो कहेगा कि अगर मैंने ये कोई आग लग रही है और उसे लगता है इसको आग को बुझाने के लिए, अगर मान लिया सपोज वो कहे किसी वेंडर से कफ से फ़ोन करके बुलाए और कहे कि ये आग को बुझाओ, इसका मैं पैसा बाद में दे दूंगा, बाद में मालूम पड़ा कंपनी ने पे करने के लिए मना कर दिया, मतलब इस तरह के उसके दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एड्रेस करती है और वो एक क्रिस्टल क्लियर लीडरशिप आपको देती है।
तो एक बार फिर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान में कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स जो होता है, कंपोनेंट का मतलब क्या है, प्लान को आप डिवाइड कर देते हैं तो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, और कंपोनेंट्स को टोटल कर देते हैं तो एक प्लान डेवलप हो जाता है। तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के कंपोनेंट्स बहुत कॉमन सेंस वाले कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये कॉमन सेंस जो है जिस टाइम पर डिजास्टर स्ट्रक होता है अनकॉमन हो जाता है। कई बार कई लोग बहुत ही एक्स्ट्रा कॉमन सेंस से काम करते हैं, और कई बार बहुत से लोग फियर से पैरालाइज्ड हो जाते हैं। एक्सट्रीम सिचुएशन दो चीज़ें क्रिएट करती है, या आपके आपको एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी दे देती है, एक्सट्रीम पैरालिसिस दे देती है। तो एक्सट्रीम पैरालिसिस से एक्सट्रीम नुकसान हो सकता है, एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी से बेनिफिट हो सकता है। तो एक्सट्रीम पैरालिसिस हमें हटाना है। एक्सट्रीम कोई बंदे के सजेशन आया, या किसी ने फायर हो रही है तो किसी ने, कई बार ब्रेवरी के अवार्ड्स भी फायर में मिलते हैं बंदों को, क्योंकि वो उतने ब्रेवली काम कर लेते हैं। लेकिन आपके पास एक्सट्रीम पैरालिसिस सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, उसके लिए एक पूरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो वो कंपोनेंट्स होने चाहिए जो जिस कंपोनेंट्स को हम फॉलो करें। तो सबसे पहले क्या करना है, सिंपल नोटिफाई करना है। नोटिफिकेशन में क्या देखना है कि कैसी सिचुएशन है, बिजनेस आवर्स है नॉन बिजनेस आवर्स है। पहले पता चल गया है डिजास्टर का, नहीं पता चला है पहले, उसके बाद नोटिफिकेशन डायरेक्टरी होनी चाहिए। तीसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका प्रोविजंस होनी चाहिए, अदर सप्लाई लॉजिस्टिक्स के लिए, दूसरे लॉजिस्टिक्स के लिए, सप्लाई लॉजिस्टिक्स के लिए प्रोविजंस होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि वॉइस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रीडायरेक्शन होना चाहिए, पर्टिकुलरली अगर आप कोई वॉइस रिलेटेड BPO हो तो। ये थे बेसिकली प्लान्स, सॉरी, ये बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के कंपोनेंट्स थे। अब हम अगले सेशन में विभिन्न टाइप के प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे, BCP, BRP, कंटिन्यूटी ऑपरेशन प्लान, IT कंटिंजेंसी प्लान, इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।